हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुएट में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th के चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 21 से 25 करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद आए तो हमारे मोटिवेशन और सपोर्ट के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो शेयर भी करें। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके सेंड करें। Question 21, a lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective and the other are good. तो यहाँ पर देखिएगा, out of these 144 ball pens यहाँ पर दिए गए हैं और इसमें से 20 defective हैं और बाकी यहाँ पर जो बच गए वो good pens हैं। तो यहाँ पर बाकी कितने बच गए, 144 को 20 माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 124। सो नंबर ऑफ गुड पेन्स आर 124। नूरी विल वाई ए पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट वाई इफ इट इज डिफेक्टिव। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that part one she will buy it। तो यहाँ पर देखिएगा, probability she will buy it। तो यहाँ पर देखिएगा, अब buy कब करेगी, खरीदेगी कब, वो जब वो पेन अच्छा होगा, गुड वन होगा। तो हमने यहाँ पर probability she will buy it, तो यहाँ पर total number of outcomes यहाँ पर 144 consider करने और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट, इवेंट क्या है, शी विल बाई द पेन। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यहाँ पर यानी गुड पेन होंगे, नंबर ऑफ गुड पेन। सो प्रोबेबिलिटी शी विल बाई इट, इट विल बी नंबर ऑफ गुड पेन्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पेन्स। तो ये आ जाती है नंबर ऑफ गुड पेन कितने, 124 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेन्स, दीज आर 144। तो इनको सॉल्व करेंगे ये आ जाता है 31/36। 4 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये 31/36 आ जाता है। पार्ट टू, शी विल नॉट बाय इट, यानी प्रोबेबिलिटी शी विल नॉट बाय इट। So this probability will be equal to number of favorable outcome favorable to the event. यहाँ पर event क्या, she will not buy it. इसके लिए हमने कब वो buy नहीं करेगी, जब pen defective होगा, तो number of defective pens को consider करना है। So this probability will be equal to number of defective pens divided by total number of outcomes means total number of pens. So this will be equal to number of defective pens are 20. So 20 divided by total number of pens, these are 144. इसको हम 4 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाता है 5/36। ये आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन 22 करेंगे। इसमें दिया गया रेफर टू एग्जांपल 13 पार्ट 1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर देखेगा एग्जांपल 13 क्या था, 2 डायस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे are thrown at the same time, write down all possible outcomes, what is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice. इस example में देखेगा, two dice जो कि एक ब्लू कलर की ग्रे कलर की है, इनको थ्रो किया गया, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, पॉसिबल आउटकम्स ये होंगे। इस फिगर में हम देख पा रहे हैं पॉसिबल आउटकम्स विल बी 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, इसी तरह से 2/1 से लेके 2/6, 3/1 से लेके 3/6, 4/1 से लेके 4/6, 5/1 से लेके 5/6, 6/1 से लेके 6/6। अब यहाँ पर पार्ट वन में पूछा गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इवेंट सम ऑन टू डाइस इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब देखिएगा, सम ऑन टू डाइस इज 2, तो इसके लिए पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, यहाँ पर हम इन पॉसिबल आउटकम्स को देखिएगा लिख लेते हैं। सम 2 के लिए पॉसिबल आउटकम्स
टू के लिए पॉसिबल आउटकम्स होंगे 1 1। तो ऐसे पॉसिबल आउटकम्स केवल एक होगा। अब हमने देखेगा प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इस टेबल को हमने कंप्लीट करना है। यहाँ पर फर्स्ट रो में इवेंट सम ऑन टू डाइस 2 दिया हुआ है, इट इज 2। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या होगी देखेगा। फॉर्मूला इसके लिए, सभी के लिए फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट E डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब प्रोबेबिलिटी सम ऑन टू डाइस इज 2, दिस प्रोबेबिलिटी विल बी, क्योंकि यहां पर एक ही नंबर ऐसा है जो कि 1 1 है, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज ओनली 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम, क्योंकि 6 रो 6 कॉलम के लिए इट विल बी 36, सो दिस प्रोबेबिलिटी इज 1/36, ये टेबल में दिया गया है। अब सम अगर 3 होगा तो इसके लिए पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे देखिएगा। 3 के लिए पॉसिबल आउटकम्स होंगे 2 1 एंड 1 2। ये हम एग्जांपल 13 की जो टेबल दी गई है पॉसिबल आउटकम्स की, उससे हम देख सकते हैं। देखिएगा सम 3 के लिए हमने इन दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। सम 4 के लिए क्या क्या होंगे देखिएगा, 3 1 2 2 1 3 ये हमने कंसीडर करना है। सम 3 के लिए 2 1 और 1 2 हमने कंसीडर करना है, इस टेबल से हम देख पा रहे हैं। सम 2 होगा तो ऐसा केवल एक बार यहाँ पर नंबर है 1 1। सम 3 होगा तो इसके पॉसिबल आउटकम्स 2 होंगे, पॉसिबल आउटकम्स विल बी 2। सम 2 के लिए पॉसिबल आउटकम इज 1। इसी तरह से सम 4 के लिए पॉसिबल आउटकम्स 3 1 2 2 1 3, यानी दिस विल बी 3। सम 5 के लिए पॉसिबल आउटकम्स देखेगा, ये फिगर में हमने मेंशन किया हुआ है 4 1 3 2 2 3 1 4, यानी ये कितने हो गए 1 2 3 4। इसी तरह से सम 6 के लिए पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5। इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 होंगे। सो सम 7 के लिए पॉसिबल आउटकम्स 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 एंड 1 6 होंगे, एंड दीज पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6। सम 8 के लिए पॉसिबल आउटकम्स 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6, इनको काउंट करेंगे तो ये आ जाता है 1 2 3 4 5, 5 होंगे। सम 9 के लिए पॉसिबल आउटकम्स 4 होंगे, जो कि 6 3 5 4 4 5 एंड 3 6 होंगे। तो ऐसे 4 आउटकम्स होंगे। इसी तरह से सम 10 होगा, इसके लिए पॉसिबल आउटकम्स 3 होंगे और ये 6 4 5 5 4 6 होंगे। सम 11 होगा, इसके लिए पॉसिबल आउटकम्स 2 होंगे, 6 5 एंड 5 6। सम 12 होगा, इसके लिए पॉसिबल आउटकम केवल 1 होगा जो कि 6 6 है। तो इस तरह से इस टेबल को हम पूरा कर सकते हैं। सम 3 के लिए पॉसिबल आउटकम्स कितने थे, 2 पॉसिबल आउटकम्स थे, सो सम 3 के लिए सम ऑन 2 डाइस इज 3, सो द प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 36। और सम 4 के लिए पॉसिबल आउटकम्स थे 3, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 3 डिवाइडेड बाय 36। सम 5 के लिए पॉसिबल आउटकम्स थे 4, सो दिस प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 36। सम 6 के लिए प्रोबेबिलिटी होगी, यहाँ पर सम 6 के लिए पॉसिबल आउटकम्स थे 5, सो इट विल बी 5 डिवाइडेड बाय 36। सम 7 के लिए पॉसिबल आउटकम्स थे 6, सो दिस प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 6 अपॉन 36। सम 8 के लिए प्रोबेबिलिटी होगी, सम 8 के लिए फेवरेबल आउटकम्स थे 6 2 2 6 3 5 5 3 4 4, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वाज 5, सो इट नाउ प्रोबेबिलिटी कोरेस्पोंडिंग टू 8 विल बी 5 अपॉन 36। सम 9 के लिए पॉसिबल आउटकम्स थे 3 6 6 3 4 5 एंड 5 4, मींस 4 पॉसिबल आउटकम्स, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 4 अपॉन 36। इसी तरह से सम 10 के लिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू, सम 10 के लिए पॉसिबल आउटकम्स 3 थे,
सो इट विल बी 3 अपॉन 36. सम 11 के लिए पॉसिबल आउटकम थे 5 6 एंड 6 5 मींस ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स. सो दिस प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 36. सम 12 के लिए एक ही पॉसिबल आउटकम था 6 6. सो दिस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन 36. पार्ट 2 में पूछा गया है ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स. तो यहां पर 11 पॉसिबल आउटकम्स जो कि हम टेबल में देख पा रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो दीज आर 11 पॉसिबल आउटकम्स. ये बात सही है. सो दिस इज ट्रू. नाउ देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज प्रोबेबिलिटी 1 बाय 11. तो यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी 2 की प्रोबेबिलिटी 1 बाय 36, 3 की 2 बाय 36, 4 की 3 बाय 36, ये हम देख पा रहे हैं सभी की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है. डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट? नो, वी डोंट एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, क्योंकि यहाँ पर हमने टेबल यहाँ कंप्लीट किया है. सबकी प्रोबेबिलिटी देखेगा, 2 की प्रोबेबिलिटी इज 1 बाई 36, 3 की प्रोबेबिलिटी 2 बाई 36 मीन्स 1 बाई 18, 4 की प्रोबेबिलिटी 3 बाई 36 मीन्स 1 बाई 12. सो ये सभी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, दे आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स. अब हम क्वेश्चन 23 करेंगे. इसमें दिया गया है ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम. तो इसके आउटकम यहाँ पर हम लिख लेते हैं. आउटकम क्या क्या होंगे? किसी कॉइन को कॉइन, ये 1 रुपी कॉइन है, इसको 3 टाइम्स टॉस किया गया, तो इसके आउटकम वही होंगे. यानी तीनों कॉइन को अगर हम एक साथ थ्रो करें तो ये आउटकम्स आ जाते हैं. पॉसिबल आउटकम्स आर ट्रिपल एच आ सकता है, टी ट्रिपल टी आ सकता है, डबल एच टी आ सकता है, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी. तो इनमें से कोई पॉसिबल आउटकम होगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विल बी 8. टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 होंगे, तो ये हम काउंट कर सकते हैं पॉसिबल आउटकम्स से. यहाँ पर दिया गया है हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट. हनीफ कब जीतेगा? जब ऑल टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट. तो इसमें से सेम रिजल्ट क्या क्या आ रहा है देखेगा, 3 हेड्स होंगे या 3 टेल्स होंगे. सेम रिजल्ट का मतलब ये हो गया, दैट मींस 3 हेड्स और 3 टेल्स. ये हम पॉसिबल आउटकम से भी देख पा रहे हैं. एंड लूजेस अदरवाइज. तो लूज कब करेगा? जब ट्रिपल हेड या ट्रिपल टी ना के बाकी जो 6 बचे हुए हैं उनमें से कोई एक आ जाए. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम. तो यहां पर देखेगा लूज कब करेगा, जब ये ट्रिपल हेड और ट्रिपल टी नहीं आए. तो लूज करने के लिए आउटकम्स यहाँ पर हमने ये अंडरलाइन कर दिया या इसको बॉक्स में हमने मेंशन कर दिया. सो यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करी, प्रोबेबिलिटी हनीफ विल लूज द गेम दिस प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स के लिए. हमने इसके लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या होंगे इसको हमने बॉक्स में शो किया हुआ है. एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी होगा. तो ऐसे फेवरेबल आउटकम्स 6 है. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इवेंट, इवेंट क्या, हनीफ विल लूज द गेम. सो दिस विल बी 6 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. So total possible outcomes कितने? 8. So this probability will be equal to 6 by 8. इसको solve कर लेते हैं. It is equal to 3 by 4. ये answer होगा. Question 24. A die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time? 5 will come up at least once. तो यहाँ पर die को दो बार throw किया गया. जो possible outcomes होंगे वो वही होंगे. दो die को एक साथ throw करने से जो भी पॉसिबल आउटकम्स आएगा, तो ये पॉसिबल आउटकम्स होंगे, इसको हम यहां पर लिख लेते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए पॉसिबल आउटकम्स होंगे, देखेगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23,
से लेके 26, 31, 32 से लेके 36, इसी तरह से 41 से लेके 46, 51 से लेके 56, 61 से लेके 66। तो यहां पर कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इट विल बी 6 × 6 36। अब यहां पर पार्ट वन में पूछा गया 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, सो प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, इसके लिए देखेगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। यहां पर इसके लिए हमने टेबल में से देखना पड़ेगा कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, तो ऐसा कितनी बार होगा 5 एक भी बार नहीं आए, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटकम्स हमने देखने पड़ेंगे। सो पार्ट वन के लिए पॉसिबल आउटकम्स होंगे, देखेगा फेवरेबल आउटकम्स होंगे, इवेंट क्या है यहाँ पर 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 एक भी बार नहीं आएगा, तो ऐसा हम देख लेते हैं कितनी बार होता है। तो देखेगा 11, 12, 13, 14, 15 कंसीडर नहीं करेंगे, 16, देन इसके बाद 21, 22, 23, 24, 25 कंसीडर नहीं करेंगे, 26, देन 31, 32, 33, 34, 35 कंसीडर नहीं करेंगे, 36, देन 41, 42, 43, 44, 45 कंसीडर नहीं करेंगे, 46, देन 51, 52 से लेके 56 कंसीडर नहीं करेंगे, 61, 62, 63, 64, 65 कंसीडर नहीं करेंगे, 66। तो इनको हम काउंट कर लेते हैं, ये आ जाते हैं देखेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So number of favorable outcome to the event is 25 divided by total number of outcome, these are 36. So ye probability hogi. अब पार्ट टू में पूछा गया है 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, 5 कम से कम एक बार आएगा, ज्यादा ज्यादा बार कितना आ सकता है, 2 बार आ सकता है। पार्ट टू के लिए पॉसिबल आउटकम्स होंगे, देखेगा 15 हो सकता है, 25 हो सकता है, 35 हो सकता है, 45 हो सकता है, और 51, 52, 53 ये सारे आ जाएंगे, 54, 55, 56, देन 65। इनको काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सो प्रोबेबिलिटी 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस दिस प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ऐसे यहां पर 11 है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 है, so this probability will be equal to 11/36। अब यहाँ पर हमने पार्ट वन में जो प्रोबेबिलिटी निकाली थी उसको पार्ट टू की हेल्प से हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 5 will come up at least once, ऐसा probability 11/36 है। इस इवेंट को अगर हम यानी 5 will come up at least once, इसको हम e से डिनोट करें, तो PE plus PE dash यानी P not E will be equal to 1। अब P not E क्या होगा यहाँ पर, ये पार्ट वन में पूछा गया है, E not complement of E का मतलब क्या है, 5 will not come up either time, so this probability P not E will be equal to 1 minus PE, so it is equal to 1 minus 11/36, so this is equal to 36 LCM ले लेते हैं, 36 minus 11/36 आ जाता है, it is 25/36, इसको इस तरह से भी हम find कर सकते हैं। Question 25, which of the following arguments are correct and which are not correct? Give reason for your answer. तो यहाँ पर कौन सा argument correct है, कौन सा नहीं correct है, इसको हमने देखना है, उसका reason भी देखना है। Part 1 में दिया गया है, If two coins are tossed simultaneously, there are three possible outcomes. Two heads, two tails, or one of each.
therefore for each of these outcomes the probability is 1 by 3. तो यहाँ पर पार्ट वन के लिए देखिएगा, टू हेड को साइमल्टेनियसली टॉस किया गया तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है या टेल टेल हो सकता है. तो इसमें से यहाँ पर हेड हेड और टेल टेल का मतलब क्या है, टू हेड टू टेल्स, और हेड टेल एंड टेल हेड का मतलब क्या है, वन ऑफ ईच, वन ऑफ ईच, यानी वन हेड या वन टेल. तो अगर इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, यानी प्रोबेबिलिटी टू हेड्स, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. सो टू हेड्स ऐसा कितनी बार आया, वन बार, वन डिवाइडेड बाय फोर. अब प्रोबेबिलिटी टू टेल्स, दिस विल बी इक्वल टू टू टेल्स कितनी बार आया, वन टाइम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम कितने, फोर. तो ये प्रोबेबिलिटी वन बाई फोर होगी. P2 head is 1 by 4, P2 tail is also 1 by 4. A probability each, one of each. This probability will be equal to one of each ke corresponding kitne possible outcomes hai? Two possible outcomes hai. Two divided by total outcomes are 4. So this probability is equal to 1 by 2. To yahan par hum dekh pa rahe hain, for each of these outcomes, the probability is 1 by 3. So this argument is incorrect. Part 2 में दिया गया है, a die is thrown, there are two possible outcomes, one odd number and an odd number or an even number. Therefore, the probability of getting an odd number is 1 by 2. तो यहाँ पर one die is thrown, तो possible outcomes क्या क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये possible outcomes होंगे. अब यहाँ पर देखिएगा, two possible outcomes, an odd number and even number. Yeah, यहाँ पर odd number क्या क्या है, odd numbers are, odd numbers के लिए corresponding outcomes क्या क्या होंगे, 1, 3, 5, और even number के लिए corresponding outcomes क्या होंगे, even numbers 2, 4, 6. So odd number कितने, 3 odd numbers are there. Even number कितने, 3 odd even numbers are there. अब probability of getting an odd number, it will be equal to number of favorable outcomes to the event E divided by total number of outcomes. Number of favorable outcome यहाँ पर कितने होंगे, यानी odd number हमने कितने count किए, 3. 3 divided by total number of outcome कितने, total number of outcomes are 6. So 3 by 6, इसको solve करके याद आता है 1 by 2. तो यहाँ पर therefore the probability of an odd number is 1 by 2. So this statement is, this argument is correct. Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.